शादी का ऐलान करते हुए एक दिन भी नहीं हुई, राखी के घर उजड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, राखी ने मैरिज फोटोज एंड वीडियोस सोशल मीडिया पर डालकर बवाल मचा दिया था, पर आदिल ने एक इंटरव्यू में इस मैरिज को साफ साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये शादी झूठ है और ये शादी को वो नहीं मानते। आदिल के ये स्टेटमेंट सुनने के बाद राखी ने ये बयान दी है कि वो पागल है क्या, मैं शादी के सारी प्रूफ दिए हैं, वो मना क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, मैंने उस पर ट्रस्ट किया है और 7 महीने पहले ही शादी की है। उसने मुझे 1 साल पहले मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। उसने मुझे 1 साल पहले मना किया था सब बताने के लिए, उसकी बहन की शादी की वजह से, इसीलिए तो मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी तब बहुत सी चीज़ें हुई, मैं बहुत डर गई थी, वो अपने फैमिली की वजह से झूठ बोल रहा है। राखी ने ये भी कहा है कि मेरी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, निकाह हो चुकी है, अभी बता रही हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। अब अपनी और आदिल की शादी की बात लोगों संग इसीलिए शेयर की है कि क्योंकि मुझे शक है कि आदिल का अफेयर चल रहा है। राखी ने ये भी बताया है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इधर मेरी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राखी की माँ को ब्रेन ट्यूमर और कैंसर है, वो अब हॉस्पिटल में रह रही हैं, इसीलिए राखी बहुत परेशान भी है और अब फिर से ये शादी की हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है, इसीलिए राखी की तकलीफ बहुत बढ़ गई है। राखी की पहली शादी असफल होने के बाद ये शादी की हालात भी ठीक नहीं चल रही है। आखिर सच क्या है राखी और आदिल को ही पता होगा। इस बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। के मुताबिक उन्होंने कोई शादी नहीं की है, राखी की ये दूसरी शादी है। हालांकि